नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के कैंपस ऑफिशियल एंड आर के कैंपस ऐप। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी एंड दिस इज स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। वही क्वेश्चंस लेके आए हैं वोकब के जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। सो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास कि 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं जिनकी कीमत जो है 59 रुपीज़ हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन मॉक टेस्ट की क्वालिटीज़ क्या हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वालिटी ये है कि 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के, जिनकी कीमत जो है मात्र 59 रुपीज़ है, बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध कराए जा रहे हैं आपको। दूसरी क्वालिटी ये है कि ये सारे के सारे मॉक टेस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर के द्वारा सेट किए गए हैं। नंबर तीन है कि इसमें 80% क्वेश्चन जो हैं वो आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस हम लोगों ने सेट किए हैं। चौथी क्वालिटी ये है कि इसमें हम लोगों ने प्रत्येक मॉक टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन जो है, या आप कह सकते हैं कि 10% क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन सेट किए हैं, और 10 हम लोगों ने बिल्कुल करंट जो है आपकी, जो आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 6 से 7 8 9 या 10 महीने तक की भी जो है ना करंट पूछी जा सकती है, वो करंट हम लोगों ने इसमें सेट किए। तो आप यदि खरीदना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आर के कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट 59 रुपीज़ में केवल खरीद सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर वीडियो। सो टुडे आवर टॉपिक इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये मैं रूट वर्ड से करवाने जा रहा हूँ। दिस इज रूट वर्ड, हमारे पास दो हैं, दिस इज क्रैसी, ये हमारे पास रूट वर्ड है, और आर्ची, दिस इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। इनका मीन्स होता है गवर्नमेंट, सरकार, या रूल एक ही बात है, दिस इज अ कॉमा हेयर, रूल और पावर, ताकत एक ही बात है, ठीक है ना भाई। गवर्नमेंट होगी तो रूल भी उन्हीं का होता है, शासन भी होता है, ताकत भी होती है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है, दिस इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो मींस एरिस्टो, एरिस्टो मींस आप कह सकते हैं बेस्ट, बेस्ट हायर क्लास पीपल, उसको एरिस्टो बोलते हैं। प्लस में क्रैसी, CRACY। क्रैसी मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। क्रैसी मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। तो इसका क्वेश्चंस क्या बनेगा, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट रन बाय बेस्ट, बेस्ट और हायर क्लास, हायर क्लास पीपल, यानी कि समाज के उच्च क्लास के लोग जो है ना, हायर क्लास पीपल या बेस्ट लोग जो हैं, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएगा, द गवर्नमेंट रन बाय बेस्ट और हायर क्लास पीपल कॉल्ड, आपके चार ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में क्या होगा आपका अरिस्टोक्रेसी होगा, दूसरे ऑप्शन में ब्लूटोक्रेसी होगा, तीसरे ऑप्शन में मोनार्ची होगा, चौथे ऑप्शन में नन ऑफ दीज होगा। तो आपको चारों में से एक ऑप्शन चुनना है। सो बेस्ट या फिर हायर क्लास के पीपल जो होते हैं वो कोई गवर्नमेंट चलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी, दिस इज अरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग आप कह सकते हैं, समाज के कुलीन वर्ग के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, दिस इज ऑटोक्रेसी, दिस इज ऑटोक्रेसी। सो रूट वर्ड के हिसाब से हम लोग करेंगे, ऑटो आपने देखा होगा, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, अपने आप, ठीक है ना, सेल्फ, और प्लस में क्या है आपका, क्रेसी, CRACY, क्रेसी माने क्या होता है, दिस इज गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सेल्फ यानी कि द गवर्नमेंट रन
by one person. Government run by one person, यानी कि एक आदमी ही जो है जो सरकार चलाता है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑटोक्रेसी. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है ब्यूरोक्रेसी. सो ब्यूरो मीन्स बी यू आर ई ए यू. ब्यूरो मीन्स ऑफिस, या ऑफिशियली भी आप कह सकते हैं. प्लस में क्रेसी, सी आर ए सी वाई. क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट. सो द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स यानी कि उच्च अधिकारियों के द्वारा सरकार. आपने सुना होगा ना भाई, ये तो ब्यूरोक्रेसी है. ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि जहां पे केवल हमारे जो आईएएस आईपीएस आईएफएस अधिकारी जो होते हैं, ऐसे अधिकारियों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है तो उस सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ब्यूरोक्रेसी, दिस इज ब्यूरोक्रेसी. और जो अधिकारी होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट है, दिस इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो हमारे देश के अंदर फिलहाल है. सो डेमो मीन्स पीपल. डेमो मीन्स क्या होता है, पीपल. डेमो शब्द आ गया, डेमो के बाद में हमारे पास क्या बच गया, क्रेसी. और क्रेसी मीन्स सी आर ए सी वाई. क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट. क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट रन बाय पीपल. जो लोग जो हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं, यानी कि कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं और इलेक्शन के बाद में वो लोग सरकार को चलाते हैं. दिस इज डेमोक्रेसी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस इज थियोक्रेसी. थियो मीन्स टी एच ई ओ. थियो मीन्स गॉड. ठीक है. और क्रेसी मीन्स सी आर ए सी वाई. क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, यानी कि द गवर्नमेंट बाय गॉड. द गवर्नमेंट बाय गॉड. और ऐसी सरकार आने वाली है, आने समय में सतयुग के अंदर आएगी सरकार. ठीक है ना. द गवर्नमेंट बाय गॉड या फिर और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड यानी कि भगवान के प्रतिनिधि जो होते हैं ना, उनके द्वारा जो सरकार चले जाती है, दैट इज थियोक्रेसी. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लूटो. दिस इज प्लूटो. दिस इज प्लूटो. सो प्लूटो मीन्स क्या होता है, वेल्थ. प्लूट मीन्स क्या होता है, वेल्थ होता है. और क्रेसी सी आर ए सी वाई. दिस इज गवर्नमेंट यानी कि धनाढ्य लोगों के द्वारा सरकार. सो द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट रन बाई वेल्दी पीपल. वेल्दी पीपल यानी कि धनाढ्य लोग जब सरकार चलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज प्लूटोक्रेसी. मोनोआर्ची. दिस इज मोन. मोन मीन्स क्या होता है, किंग. और आर्ची जो है हमारे पास एक रूट वर्ड है. दिस इज ए आर सी एच वाई. आर्ची मीन्स क्या होता है, दिस इज गवर्नमेंट. सो द गवर्नमेंट बाय किंग. द गवर्नमेंट बाय अ किंग. केवल एक राजा जो है पूरी सरकार को चलाता है, पूरे देश को चलाता है. दिस इज मोनार्ची. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्लिगार्ची. ऑब्लिगार्ची. सो ओब लीग मीन्स होता है अ फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा. और आर्ची मीन्स क्या होता है, ए आर सी एच वाई. आर्ची मीन्स होता है गवर्नमेंट यानी कि कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑब्लिगार्ची. सो गवर्नमेंट, सॉरी, द
government in hands of a few people. कुछ लोगों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है, this is obligatory. ये क्वेश्चंस आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में दो बार आ चुका है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो गाइज, ये आपके 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं दिल्ली पुलिस के. यदि आप खरीदना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा ओनली 59 रुपीज में. सो गाइज, आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और आपको लगा हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, सो मेरी इस वीडियो को लाइक वे शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल आरके कैंपस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम. एंड डेफिनेट बिल्कुल आपका ही सिलेक्शन होगा. जय हिंद.